Assalam everyone. आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर पांच बहुत अच्छी बुक्स के बारे में. हालांकि मैं इसके ऊपर एक इंग्लिश में वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसको इंग्लिश नोइंग लोग मेरे इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. तो शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाह. मेरी इस लिस्ट में पहला नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय S.L.Loney. बहुत ही फेमस, बहुत ही ज़बरदस्त किताब है और बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस पर अवेलेबल भी है अमेज़ॉन पर. एक पब्लिशर है इसके, अरिहंत, जहाँ पर आपको ये मिलेगी अराउंड 80 और 75 रुपीज़. और दूसरा पब्लिकेशन है जिसने इसको प्रिंट किया है, जी के पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, और वहाँ पर ये है अबाउट 50 और 60 आपको मिल जाएगी. तो ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं. और ख़ास तौर से इस किताब के अंदर जो ख़ास बात है वो ये है कि इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज, बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज में फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को रिप्रेजेंट किया गया है. तो आप फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को ग्रेस्प करने के लिए इस किताब को कंसिडर कर सकते हैं. हालांकि इसके अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगे, तो उसके लिए आपको किसी दूसरी बुक के लिए सोचना पड़ेगा, कोई किसी दूसरी बुक का सहारा लेना पड़ेगा. दूसरी किताब जो मेरी लिस्ट में आती है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय S.K.Goyal. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय S.K.Goyal. No doubt this is one of the best books available on coordinate geometry available in the Indian market. ये पांच ज़बरदस्त किताबों में से एक किताब है जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं. और ख़ास तौर से ये उन बच्चों के लिए लिखी गई है, उन लोगों के लिए लिखी गई है जो इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IIEEE और IIT. उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए. और ख़ास बात इस बुक में ये है कि इसमें हर चैप्टर को तीन लेवल्स में डिवाइड किया गया है. पहले लेवल में बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड इजी क्वेश्चंस हैं, और उसके लेवल टू में उससे थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस रखे गए हैं, और लेवल थ्री में मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को सम अप किया गया है. तो ये इस तरह से कोई भी स्टूडेंट्स फ्रॉम ईजी टू टफ़ ग्रेजुअली जा सकता है, और वो इसको बहुत कन्वीनियंट पाता है इस तरह से. और इसके जो पब्लिकेशन है वो है अरिहंत पब्लिकेशन, और ये आपको अमेज़ॉन पर अवेलेबल है. इसका भी मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दूंगा. तो आप में से अगर कोई इसको परचेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन से वो लिंक पर जाकर इसको परचेस कर सकते हैं. इसकी जो कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 375 और 80. हालांकि इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, जो MRP है, वो 550 और 530 के अराउंड है, लेकिन डिस्काउंट पर ये आपको 370 और 380 के अराउंड मिल जाएगी अमेज़ॉन पर. नाउ द थर्ड ऑप्शन, द थर्ड वेरी फैंटास्टिक बुक, तीसरी बहुत शानदार किताब, एडवांस प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय विकास गुप्ता. ये भी एक बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए, और इसको भी स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स के लिए. जो बच्चे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये एक बहुत ही सूटेबल किताब है. अब S.K.Goyal और विकास गुप्ता, ये जो सेकंड नंबर पर मैंने किताब आपको बताई है और तीसरे नंबर पर, इसमें से कौन सी बेटर है ये आप ख़ुद फाइंड करिए. मैं यहाँ पर जो अपना व्यू दे रहा हूँ वो पाँच बहुत अच्छी बुक्स के बारे में दे रहा हूँ. मेरे 1, 2, 3 कहने से आपको किसी को ये गलतफहमी ना हो जाए कि नंबर 1 पर बेस्ट बुक है, नंबर 2 पर सेकंड बेस्ट है, नंबर 3 पर थर्ड बेस्ट है. इस तरह से इसकी सीक्वेंसिंग मैंने नहीं की है, क्योंकि आदमी की जो अंडरस्टैंडिंग होती है, उसका जो
देखने का नज़रिया होता है वो अलग अलग होता है, वो कोई वेल डिफाइंड नहीं होता। हो सकता है कि कोई बुक मुझे बेस्ट लगती हो लेकिन किसी दूसरे को वो सेकंड बेस्ट लगे, थर्ड बेस्ट लगे, तो ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मेरी तरफ से आपके लिए ये एक हेल्प है कि मैं आपको 5 बहुत अच्छी बुक्स के बारे में बता रहा हूँ जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल हैं, और इन 5 बुक्स में से किसी एक बुक को आप सेलेक्ट कर सकते हैं स्टडी के लिए। तो तीसरी किताब जो मैंने आपको बताई, एडवांस प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और मैंने बताया कि इसका जो लिंक है परचेस करने के लिए अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दूंगा, बाद में आप उसको देख सकते हैं। नाउ फोर्थ ऑप्शन इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय गोरख प्रसाद। हालांकि ये एक बहुत ओल्ड बुक है लेकिन पुरानी होने के बावजूद इसकी जो खासियत है, इसकी जो यूज़फुलनेस है, उसमें कोई कमी नहीं आई। और इस किताब को मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ा है और आई लव दिस बुक, मुझे इस किताब से बहुत ही लगाव है क्योंकि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लैंग्वेज है, बहुत ही एक इसका जो रिदम है वो बड़ा ज़बरदस्त है। पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, उससे के बाद में उससे रिलेटेड जो कॉरोलरीज हैं और जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हैं उसकी समरी है, और उसके बाद एग्जांपल्स, उसके बाद अनसॉल्व क्वेश्चंस, और ग्रेजुअली ये बुक भी इजी से टफ की तरफ जाती है, एडवांस लेवल की तरफ जाती है। ख़ास तौर से इस बुक में ये ख़ास बात है कि ये दोनों लेवल्स के लिए इक्वली बेनिफिशियल है, चाहे वो 11th 12th स्टैंडर्ड हो या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हों लाइक बीएससी और बीटेक, क्योंकि टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पोर्शन बीएससी में भी है फर्स्ट ईयर में, और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी आई थिंक फर्स्ट सेम में या सेकेंड सेम में इसका एक पोर्शन है, तो उसके लिए भी ये इक्वली बेनिफिशियल है क्योंकि इसका जो 50% है, आधी बुक है वो बिल्कुल बेसिक है जो यूज़फुल है ज़्यादातर 11th 12th लेवल के लिए, और जाहिर है कि कोई इंसान अगर उन सारे कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज भी करना चाहता हो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में भी, तो ये और ज़्यादा बेटर हो जाता है। और जो आधी बुक है बाकी वो एडवांस है, और वो एडवांस टॉपिक्स कवर करती है जो होते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के सिलेबस में, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और मेरे पास, मैं आपको क्या शो करूँ, ये एक बहुत पुराना एडिशन है, अब तो मुझे नहीं मालूम कि इसका जो कवर पेज है वो कैसा होगा। ये बेसिकली मेरे फादर की बुक है, जब मेरे फादर ने बीएससी किया था तो उन्होंने इसको परचेज़ किया था और मुझे विरसे में मिली है उनसे ये। बहरहाल पुरानी होने के बावजूद जैसे मैंने कहा कि इसकी यूज़फुलनेस में कोई कमी नहीं है, ये कंप्लीट बुक है ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये डिपेंड करता है कि आपको किस बुक की लैंग्वेज और किसका सीक्वेंस और किसी का वे ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड डायग्राम्स आपको पसंद आते हैं, आप खुद डिसाइड करिए। फिफ्थ बुक है जिसको मैं बताने में थोड़ा सा हिचकिचा रहा हूँ, और मेरी हिचकिचाहट की वजह यह है कि इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो एक पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, तो वो इस तरह की बुक्स को परचेस करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। तो ये बुक है द एलिमेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाय सिडनी लोनी, बहुत फैंटास्टिक बुक है। हालांकि इसकी जो तो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टफ है, तो अगर किसी की इंग्लिश वीक है, उसका कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में वो वीक है, तो उसको ये बुक नहीं कंसिडर करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो ये एक बहुत फैंटास्टिक बुक है। हालांकि इसकी जो प्राइस है वो 1700 रुपीज़ है इसकी एमआरपी, और ये डिस्काउंट पर आपको मिल जाएगी अराउंड 1200 रुपीज़ ऑन अमेज़ॉन। इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रहा हूँ, आप अगर चाहें तो उसको वहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो ये थी 5 बहुत ज़बरदस्त बुक्स टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर, और इन 5 बुक्स को आप देख सकते हैं, इनमें से आप खुद डिसाइड करिए कि विच बुक
turns out to be the best for you, क्या कौन सी किताब आपके सिलेबस को सबसे ज़्यादा कवर करती है, कौन सी किताब आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किस किताब को आप इनमें से सबसे अच्छा पाते हैं, ये फ़ैसला आप ख़ुद कीजिए। बस इस वीडियो में इतना ही। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।